ये एक ना चेंजोर है, चेंजोर है, देख सकते हो। ये चेंजोर है ना दोस्तों, शॉर्ट हो चुका है, शॉर्ट। सबसे पहले ये चेंजोर को क्या हुआ था, इसके ऊपर ना, ऊपर जो रहता है ना चेंजोर के ऊपर, ऊपर लाइट का रहता है, लाइट का कनेक्शन रहता है, और नीचे जनरेटर का कनेक्शन रहता है। तो क्या होता था, ऊपर जब अगर लाइट चली जाती है ना, तो क्या करना था, चेंजोर है ना उसको हम लोग नीचे करते थे। तो देखा तो नीचे करते समय लाइट आता नहीं था जनरेटर के ऊपर का, तो ऊपर तो ऑलरेडी लाइट रहता था, तो नीचे जब जनरेटर मारते देखा तो उसके बाद उसको खोलना पड़ा। खोलने के बाद उसको अच्छी तरीके से देखा तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो बाद में देखा तो एक साइड जो है ना, जो जनरेटर का जो वायर रहता है उसके, अगर मतलब जनरेटर लाइट गया और जनरेटर स्टार्ट किया ना, तो उसके बाद वो जो लाइट आना चाहिए ना, ये अभी जो मैंने नीचे किया ना, वहाँ पे जनरेटर था। तो सबसे पहले क्या किया, उसको अच्छी तरीके से उसको ओपन कर दिया, खोल दिया दोनों वायर। देखा तो उसके बाद पता चला, क्योंकि एक साइड का जो ये रहता है ना, वो पूरी तरीके से शॉर्ट हो गया। ये देखो, यहाँ से ऊपर हम लोग लाइन दे देता हूँ, ये जो ऊपर का एरिया आपको दिख रहा है ना, वहाँ पे लाइट का कनेक्शन रहता है। नीचे जो चेंजर का वायर रहता है ना, उसको चेंजर को वायर देना था। तो उसके बाद देखा तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये हाफ पे शॉर्ट हो चुका है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जनरेटर का वायर देती है, ये देखिए इस साइड में, और उसके अंदर का जो स्प्रिंग है ना, वो भी ख़राब हो चुका है। ये देख लीजिए, स्प्रिंग को पहले सबसे पहले निकाल देता हूँ, ये देखिए स्प्रिंग का जो ऊपर का ये है ना, और उसको निकाल दे, देख सकते हैं कितना शॉर्ट हो चुका है। क्योंकि जनरेटर के ऊपर ये चालू ही नहीं होता था, लाइट के ऊपर चल रहा था पर जनरेटर के ऊपर नहीं चल रहा था। सबसे पहले ये देखना, अभी चेंज ओवर चेंज कराना पड़ता। सोचा ही ये वीडियो है ना, वो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये जो इस तरह का वीडियो मैंने बहुत ही कम बनाया था, और ये भी मैंने बहुत कम देखा है चेंज ओवर इतना शॉर्ट होता है। तो क्या वो बहुत 4-5 दिन पहले देखा था इसको, सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करूँ मैं, इसकी वजह से आपको बना रहा है। ये चेंज ओवर है, ये चेंज ओवर का क्या काम रहता है, अगर आप दो साइड का ऊपर लाइट का, यहाँ पे हम लोग लाइट का दिया था कनेक्शन, और नीचे जो है ना वो इसका कनेक्शन दिया था जनरेटर का था। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इस तरह ये जो है ना, ये स्प्रिंग रहता है उसके ऊपर, एक प्रकार का लॉक रहता है वो, ये देख लीजिए यहाँ से लॉक बहुत ही अच्छा स्ट्रांग है, लॉक पूरी तरीके से सही है, लॉक का कुछ प्रॉब्लम हो। नॉर्मली जो ये है ना, यही ख़राब हो चुका है चेंजर पूरी तरीके से, ये देख लीजिए पूरी तरीके से चेंजर। चेंजर का हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा कोई इतना मतलब घर में हम लोग चेंजर बहुत ही कम यूज़ कर लेता, ये बहुत बड़े रिसोर्ट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लेते। जनरेटर हर घर में तो नहीं रहता ना, तो जनरेटर के लिए हम लोग ये यहाँ पे यूज़ करते। ये देख लीजिए, ये दो पूरी तरीके से काला हो चुका है, उसका स्प्रिंग भी हम लोग निकाल दिया था, नीचे भी लिखा भी है, ये देख लीजिए आपको दिख रहा है चेंजर का क्या होता है। एक साइड जो जॉइंट रहता है ना चेंजर, एक साइड ऐसे सीधा ऐसा रहेगा ना, तो क्या होता है, एक साइड सही रहेगा तो ये होता है स्पार्क हो जाता है कभी कभी, तो इसकी वजह से वो शॉर्ट हो चुका है। तो उसके बाद अभी इसको नया डाल दिया है, तो ये इस तरह से चेंज हो रही, ये देख लीजिए यहाँ पे ना। सबसे पहले अगर आपको घर के लिए चेंजर यूज कर लेता हो तो ये देखिए आपको यूज भी कर सकते हो, इसके अंदर सही सही है। आई थिंक मुझे ऐसा लगा वायर इसके अंदर बच गया है, ये देख लीजिए अभी ये यूज़ करने के है नहीं, ये इसको अभी यूज हम लोग करने भी नहीं सकता, क्योंकि ये मुझे वीडियो बनाना था, इसकी वजह से मैंने इसको रख दिया था, नहीं तो इसको मैं फेंक देता था। सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, क्योंकि आपको भी समझ आ जाए चेंज ओवर शॉर्ट किस तरह से होता है। ये देख लीजिए, ये 240 15 वेट का है, मतलब 240 240 वेट ये ले सकते हैं उसको। और ये यहाँ पे जो स्क्रू है, स्क्रू को भी आप अच्छी तरीके से टाइट या लूज कर सकते हैं स्क्रू के हिसाब से भी। इसको अभी तक मैंने खोला नहीं है, ये देखिए ऊपर ये जो ऊपर का जो वायर है ना, यहाँ पे आप लाइट का कनेक्शन दे सकते हैं, और नीचे जो है ना नीचे आप जनरेटर का कनेक्शन दे सकते हैं। एकदम अगर जनरेटर चालू करने के बाद उसको आपको नीचे प्रेस करना है, उसके बाद ही उसका ये आ जाएगा, लाइट का कनेक्शन आ जाएगा जनरेटर के ऊपर। हाँ आप देख सकते, इस तरह से चेंजर है।